भी लोग मंत्रिमंडल में लाए गए हैं उनमें ये ध्यान रखा गया है कि महिला सशक्तिकरण हो। लगता है कि ये चेंज जो सारी हुई है आर्टिकल 370 जाना 358 जाना ये बेहतरी के लिए हुई है। गुजारिश करता हूँ कि वो जब भी पहला टूर करें दिल्ली से बाहर तो कश्मीर आए, हम उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, आकर मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे और हम अपने कल्चर को उनको दिखाएंगे। हमें मौका मिलेगा कि मिस्टर साहब को मुझे लग रहा है कि जब भी बात हुई हमने बहुत बार बातें उठाई, बहुत बार बातें की, लेकिन मैं आज आपको गर्व से बोलना चाहता हूं कि पीएम साहब ने जो फैसला लिया सेकंड लेयर थी जो कोरोना की उसमें जो परेशानी आ रही थी उसलिए जो वो मिनिस्ट्री थी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं आपके साथ वाहिदा मुगल और आप देख रहे हैं मेराज टीवी। कल जो हमारे पीएम ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत सारे लोगों को चेंज किया, उस बारे में आज हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। हम देखते हैं कि वो इस बारे में लोग क्या बोलेंगे। नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी ऋषिका कोल आपको फिर रूबरू होने आई हूँ आपके अपने चैनल मिराज टीवी पे। आज हम मिलने आए हैं श्री कविंदर गुप्ता जी से, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी के सीनियर लीडर। नमस्ते सर। धन्यवाद सर, जैसे आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री जी ने रातों रात इतनी बड़ी चेंजेस की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजनीति में एक रूटीन रहता है कि सरकारें चलाने के लिए समय समय पर नए लोगों का चयन किया जाता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले 7 साल में बहुत कम चेंजेस की हैं, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले उसके लिए कि एक अच्छा प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो भी लोग मंत्रिमंडल में लाए गए हैं उनमें ये ध्यान रखा गया है कि महिला सशक्तिकरण हो और उसके साथ सभी जातियों का एक अच्छा समीकरण बने। मुझे लगता है उसी आधार पर चेंजेस की गई है और आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए ये भी है कि कुछ लोग संगठन में काम करेंगे, कुछ सरकार में काम करेंगे, ये उसी को मद्देनजर रख के किया गया है। सर आपको लगता है कि इन चेंजेस के कारण हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ तरक्की का होगा? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में पहले से 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत से रास्ते खुले हैं। एक नंबर तो मिलिटेंसी कम हुई है, दूसरा जिन लोगों को यहाँ पर अधिकार नहीं थे जैसे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हैं, हमारे ये वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, इसके अलावा एसटी समाज को स्पेशल और पहाड़ी समाज को स्पेशल रिजर्वेशंस दी गई हैं, ये अच्छी बात है। और ये भी मानना चाहिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट के शुरू हुए हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें एक ही शहर में आईआईटी, आईआईएम और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स हो, और ये जम्मू कश्मीर पहला है और जहाँ पर कि 2 एम्स हैं और बिल्कुल 1.25 करोड़ की आबादी पर। इसके अलावा रिंग रोड्स बनना, एक्सप्रेस हाईवेज बनना, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है और आने वाले समय में 30,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके लिए लोगों को बुलाया है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले माहौल यहाँ पर साजगार हो, तो मुझे लगता है कि उसका और हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू वाहिदा जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए जब चेंज होती है, मिनिस्ट्री प्रोटोकॉल चेंज होते हैं या नए मिनिस्ट्री इंडक्ट होते हैं, वो हमेशा परफॉर्मेंस बेसिस पे होते हैं और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए वो चेंज होती है। इसमें युवा या बुजुर्ग की बात नहीं है, लेकिन पिछले जो कोविड सेकेंड की वेव से जहाँ जहाँ त्रुटियाँ रही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जहाँ रविशंकर जी थे उनमें जो जो कमियाँ पेशी रही वो ना रहे आने वाले 3 सालों में जब तक मोदी लेड गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि 7वां साल चल रहा है, 2-3 साल और हैं इनके, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, रिड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए ये चेंज हुई है और एक वेलकम स्टेप है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, उससे और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिनिस्ट्रीज काम करती है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में मतलब दिन ब दिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर कोविड को आप देख लो, रोड की कंडीशन देख लो, या यहाँ पे जो युवा है वहाँ पे उनकी मतलब जॉब का देख लो, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये चीज़ें कितनी होंगी? मैं पिछले 10-15 दिन से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने पहली प्राइम मिनिस्टर कन्वीन मीटिंग सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दिल्ली में रखी और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन की जो कमेटी है वो परसों से जम्मू कश्मीर के दौरे पे है और जब तक वो कंप्लीट करती हैं अपनी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने मिलना और फाइनल रिपोर्ट जब तक सबमिट करते हैं तब तक
हमें यहाँ जो बाबूशाही है, यहाँ जो एडवाइजर्स हैं, जो नॉन परफॉर्मर लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चेंज किए हैं, तो यहाँ भी एक सिस्टम जो है खिड़कियों और दरवाजे एडमिनिस्ट्रेशन के खुले, वो तभी खुलेंगे जब एडमिनिस्ट्रेटर रीशफल होगी। यहाँ 7-8 एडवाइजर्स होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, और वो एडवाइजर्स होने चाहिए जिनको जम्मू कश्मीर के लोग को भी भरोसा हो, साफ़ सुथरी छवि के हों और गवर्नर साहब की बाजुएं मजबूत करें, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सपना है या मोदी जी का सपना है जम्मू कश्मीर को फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाने का, वो तभी मुमकिन होगा जब अच्छे चेहरे एलजी साहब के साथ शाना बशाना काम करेंगे और लोगों के रिड्रेसल पे आएंगे। चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, हम एक ही गुलदस्ता है, और ये किस तरह खिला रहे इसको देखना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और मुझे पूरी उम्मीद है इस महीने लार्ज स्केल चेंजेस होनी होंगी, और जिससे कि काफ़ी राहत मिलेगी, जब तक इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं हो लोगों को काफ़ी राहत मिलने की मुझे उम्मीद है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने अभी मतलब काफ़ी चीज़ों का मुझे मतलब जवाब दिया, लेकिन एक क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में मतलब बहुत सारे ऐसे महकमे हैं, मतलब अगर हमें लाइट्स की प्रॉब्लम्स हैं, हमें रोड की प्रॉब्लम्स हैं, हम बहुत सारे ऑफिसर्स को कॉल करते हैं उस बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग हमें मतलब इग्नोर किया जाता है, वो हमारी बात नहीं सुनती, तो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि वो अपने काम को अच्छी ईमानदारी से करें? जो लोग काम नहीं करते, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह कोरोना के बहाने उनको ऊपर उठा ले, लेकिन जब तक ये नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आएगा, हमारे यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन ड्रेल रही पिछले 70 सालों में, हमारे यहाँ पंचायत इलेक्शन ड्रेल रही पिछले 70 सालों में, पॉलिटिकल हायरार्की ने घर का ये एक घर का अपना सिस्टम बनाया था कि जब चाहें इलेक्शंस होंगी, और ये वो इलेक्शंस हैं जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से चलती हैं, हरियाणा पंजाब और बाकी स्टेटों में 1500 से 2000 करोड़ जो है एनुअली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत आता है। तो मैं समझता हूँ डिक्टोरल पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है, और आने वाले दिन जो है बेहतरी की तरफ चलेंगे, और जितनी खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेशन की पाइपलाइन में जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन पर जम्मू कश्मीर चलेगा, और आने वाली जो भी सरकार होगी, जितनी भी गठों की सरकार होगी, उन पर भी एक जिम्मेवारी आयद होगी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पैसा जाया मत कीजिए, और लोगों के हितों पर लगाइए, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, ताकि ये जो यूनियन टेरेटरी तभी बनी है ताकि ये चंडीगढ़ से बेहतर और बाकी दिल्ली से बेहतर यूनियन टेरेटरी बन सके, और लोगों का पूरा समर्थन है और मुझे पूरी होप है, और मुझे लगता है कि ये चेंज जो सारी हुई है, आर्टिकल 370 जाना, 358 जाना, ये बेहतरी के लिए हुई है, क्योंकि जब जब आप नेचर से प्ले करते हैं नेचर रिबाउंड बैक करती है, और आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बेहतर होने का पूरा अंदेशा है। मेरा नाम मुश्ताक है, मुश्ताक अली अहमद खान, मैं कश्मीर से हूँ और एक कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ, आई एम ए फिल्म मेकर एंड ए थिएटर प्रैक्टिशनर। मैं नए कल्चरल मिनिस्टर श्री कृष्णा रेड्डी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कल्चरल मिनिस्टर का ओहदा संभालने पे, और कश्मीर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भेजता हूं, और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो जब भी पहला टूर करें दिल्ली से बाहर तो वो कश्मीर आएं, हम उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और उनको कश्मीर दिखाएंगे, कश्मीर के आर्टिस्टों से मिलाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी का फोकस कश्मीर पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं गुजारिश करूँगा कल्चर मिनिस्टर जनाब कृष्णा रेड्डी जी से कि वो कश्मीर पे अपना फोकस बनाए रखें, यहाँ के आर्टिस्टों को, कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट की अटेंशन की, खासकर जो हमारा कल्चरल फील्ड है उसमें हमें गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा पैट्रनेज की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है हमारे नए मिनिस्टर वो बातें पूरी करेंगे, और जो मोदी जी का ख्वाब है कश्मीर को लेकर के वो पूरा करेंगे। आपको एक बार फिर से जनाब कृष्णा रेड्डी जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिया शर्मा जैक्सन, फर्स्ट इंटरनेशनल कोरियोग्राफर एंड जेएंड के प्रेसिडेंट, आज जेएंड के कोरियोग्राफर एसोसिएशन जम्मू। श्री कृष्णा रेड्डी जी यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर बनने पर मैं उनको बहुत 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 बधाई देता हूँ दिल की गहराइयों से, और अपने जम्मू कश्मीर के सारे कलाकारों की तरफ से भी उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ कि हमारे नए जूनियर मिनिस्टर जो है हमारे कल्चर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों को, जम्मू कश्मीर के कलाकारों को भी उनके साथ पूरा काम करने का, कल्चर को आगे बढ़ाने का मौका देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मिनिस्टर साहब हमारा अच्छा काम करेंगे, और एक उम्मीद हम ये भी रखते हैं कि बहुत जल्दी
हम उनसे मिलना चाहेंगे और उनका जम्मू कश्मीर में वेलकम करना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब जल्दी यहाँ जम्मू कश्मीर में आएंगे और जम्मू कश्मीर के कलाकारों में आकर मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे और हम अपने कल्चर को उनको दिखाएंगे। हमें मौका मिलेगा कि मिनिस्टर साहब को हम अपने जम्मू कश्मीर का कल्चर दिखाएं ताकि हमारे कल्चर को वो देशों विदेशों में भेजें और कल्चर एक्सचेंज होने करने का मौका दें। जी शुक्रिया, धन्यवाद। मैं पीएम नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो उसने कल नए चेहरों को सामने लाया और नए लोगों को मौका दिया। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव और एक देश के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। देश के लिए ऐसा पैगाम है ये कि आप देखिए कि जो पीएम साहब ने फैसला लिया उसके लिए सारे देश भर के लोग उसको स्वागत करते हैं। और साथ साथ में हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल जो उन्होंने हमारे जो कल्चर और संस्कृति मंत्रालय में भी चेंज आए, हमारे कल्चर मिनिस्टर को भी चेंज किया गया है, मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पूरे देश की कलाकारों के लिए। मुझे मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से जो हमारे कल्चर और टूरिज्म के मंत्री साहब को दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खासकर वो खास जम्मू कश्मीर की तरफ तवज्जो दे और जम्मू कश्मीर की कल्चर और विकास को आगे लाए और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मुझे लग रहा है कि जब भी बात हुई हमने बहुत बार बातें उठाई, बहुत बार बातें की, लेकिन मैं आज आपको गर्व से बोलना चाहता हूं कि पीएम साहब ने जो फैसला लिया, हर जो नए चेहरे हमारे सामने आए, नए नए युवा, मुझे लग रहा है युवा का, विकास का, कल्चर का, हर मुद्दे पे काम होगा। खासकर मैं आज कलाकारों के लिए यही मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और यही उम्मीद रखूँगा कि आने वाले समय में वो खासकर जम्मू कश्मीर ज़रूर आए और जम्मू कश्मीर के कलाकारों से रूबरू हो। जम्मू कश्मीर के कलाकारों से नहीं, पूरे देश भर के कोरोना की महामारी में बहुत परेशान है, बहुत उम्मीदें हैं, नई उम्मीदें, और मैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूं। पहले तो मैं आपके टीवी का जो है चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। तो जो कल डिसीजन लिया है वो पीएम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जो यंग चेहरे लाए हैं और जो काम नहीं करने वाले, जो थर्ड सेकेंड लेयर थी जो कोरोना की, उसमें जो परेशानी आ रही थी उस लिए जो वो मिनिस्ट्री थी वो भी चेंज की है और नए चेहरे लाकर बहुत अच्छा किया है। आने वाले टाइम में युवा को मौका दिया है और जो काम धीमी गति से चल रहे थे, जो इंटरेस्ट नहीं लेते थे मिनिस्टर, उनको चेंज करके बहुत अच्छा किया है। और मैं तो ये अपील करूँगा पीएम साहब से कि जम्मू कश्मीर के बारे में ये कुछ करें और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के यहाँ जो पॉलिटिशियन है या अपना ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी कुछ चेंजिंग होनी चाहिए इनकी, क्योंकि इनके चेंज होने से हमारे जेएंडके में काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो हम देख रहे हैं कि यूटी बनाने से कोई भी आम पब्लिक जो है वो खुश नहीं है, उनको वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने जो देखकर पीएम साहब ने जो चेंजिंग की है, तो हम यही कहते हैं कि जो मिनिस्ट्री नहीं आई है अच्छे ढंग से काम करे, अच्छा काम करे, और जेएंडके की तरफ भी उनको देखना चाहिए कि जेएंडके में जो हो रहा है वो अच्छा होना चाहिए, जम्मू की पब्लिक, जम्मू कश्मीर की पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। शुक्रिया। करो यथ मीरा सस, यथ मीरा सस, यथ मीरा सस, मीरा टीवी, मीरा टीवी, अस्विन तलस्विन नगम पत्थर हावव सुभूषा, मीरा टीवी दिल लुकन रंजना विशारोगा, मीरा टीवी, मीरा टीवी, मीरास टीवी। मीरास आपका अपना चैनल, जम्मू कश्मीर के कल्चर और सकाफत का तर्जुमा। मीरास कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी और डोगरी जबान और कल्चर के फरोग के लिए कोशांश। मीरास ड्रामे, मुशायरे और कॉमेडी से महसूस करें। मीरास आपका अपना चैनल, आपकी पहचान। मीरास लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपनों तक पहुंचाइए। मीरास, मीरास टीवी, दिल लुकन रंजना विशारोगा।